से मैं हूँ मुबशर मजीद मिर्ज़ा। आज विहाड़ी में DPO विहाड़ी अख्तर फारूक ने एक मीटिंग की नंबरदारान और मौजूदीन इलाका के साथ। उनसे पूछते हैं कि क्या मकासद थे इस मीटिंग के और किस हद तक जो है वो बात जो है वो उनके साथ हो सकी है। जी सर बताइएगा। जी ये नंबरदारान का ट्रेडिशनली बड़ा इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामिया ने उतनी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ऐसा ये रिडंडेंट होता जा रहा था। जिस तरह आपको पता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट इसको बड़ा अफाल बनाने की कोशिश कर रही है, हम भी चाहते हैं कि पुलिस का ये सपोर्ट करें और जो इंफॉर्मेशन हो, पैटी नेचर के इश्यूज हों, वो उसी गाँव में हल होने चाहिए। और इस सिलसिले में आज सर्कल विहाड़ी के नंबरदारान को ज़हमत दी है, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है, एक दूसरे की बात सुनी है और फॉलो अप मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह 20-25 दिन के अंदर अंदर, ताकि जो आज हमने वादे किए हैं एक दूसरे के साथ उस पर असेस करें कि किस हद तक पूरा उतरें। एक तो बताइएगा कि आपका प्लान ओवरऑल क्या है, क्या आपका कोई स्ट्रेटजी है नंबरदार उनके साथ मीटिंग की, और दूसरा ये बताइएगा कि आपने ख़ास तौर पर आज मंशियात के हवाले से बात की है, तो आपके और भी मेजर क्राइम को के सदब आपके लिए नंबरदारान से रबते और उसके लिए कोई काविश की कोई ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ठिकरी पैरा जो कि बड़ा इफेक्टिव एक टूल होता था रात को क्राइम कंट्रोल करने के लिए, चोरी रिलेटेड जो होता है, बैंस चोरी, दुकान में चोरी, इस तरह के जो पैटी नेचर के इश्यूज होते हैं, वो हम उसको इफेक्टिव करना चाहते हैं दोबारा से। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि मंशियात का बहुत बड़ा एक चैलेंज है और वो मैंने तमाम नंबरदारान से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारा सपोर्ट दें, जैसे ही कोई एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन हो वो हम तक पहुँचाए, हम ज़रूर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। जी बताइएगा कि आज ठिकरी पैरा के हवाले से आपने बताया कि पुलिस जो है वो नंबरदारान को सपोर्ट करेगी, तो क्या लायहा अमल होगा, क्या ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाएगा ठिकरी पैरा उन पर, जबकि ये कोई एक नहीं, ये बिल्कुल बाय रूल्स है, बाय लॉ है, ये बिल्कुल फ्लाई नहीं और ये ऑप्शनल भी नहीं, ये ज़रूरी है। अच्छा। नंबरदारान के फ़रैज़ में से एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ ये होता है कि उसने इंश्योर करना होता है कि ठिकरी पैरा लगे। ज़ाहिर है सोसाइटी कुछ इवॉल्व हो गई है और उसमें पहरेदार अब उस तरह पहरा देना नहीं चाहते, जॉब कर रहे हैं वो कहते हैं सारा दिन हमने जॉब की, रात को नहीं जागेंगे, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह कैरेट स्टिक पॉलिसी के साथ इसको इफेक्टिव करेंगे। एक आखिरी सवाल कि आपने जो इख्तियारात की बात की है नंबरदारान को, नंबरदारान की मुखालफतें भी होती हैं, हमायतें भी होती हैं गाँव में, तो इस चीज़ को किस तरह से काउंटर करेंगे आप? जी नंबरदार को इख्तियारात मैं नहीं दे रहा, नंबरदार को इख्तियारात कानून ने बहुत सारे दिए हुए हैं, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो इख्तियारात का हमें एक दूसरे को पता चले और हम उसको यूज़ भी करें। और नंबरदारान को ये मैंने रिक्वेस्ट की कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो पुलिस को पसंद करें, हम उस पर एक्शन लेंगे, ना कि नंबरदारान खुद एक्शन लेंगे, ताकि वो बैकग्राउंड में रह के हमारी सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ थे DPO विहाड़ी अख्तर फारूक, जिन्होंने कम्युनिटी पॉलिसिंग के हवाले से नंबरदारान के साथ मीटिंग की बात की।